हेलो गाइस, राइट नाउ यू आर वाचिंग बैंडर हारिस। मैं हूँ हारिस खान। तो अभी मैं हूँ आनंदगढ़ स्टेशन पे, स्टेशन कोड ANBT। आज मैं जिस ट्रेन से ट्रैवल करने जा रहा हूँ उसका नाम है आनंद विहार संतरागाछी वीकली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। इसमें मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। पहले मैं स्लीपर क्लास में ट्रैवल करूँगा न्यू दिल्ली से आनंद विहार से कानपुर तक, उसके बाद कानपुर से संतरागाछी तक सेकंड एसी में। देखते हैं स्लीपर क्लास के पैसेंजर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट रेलवे करती है और सेकंड एसी के पैसेंजर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट करती है। ऐसे अभी तक तो बहुत गंदा ट्रीटमेंट किया गया, क्योंकि ट्रेन जब से आई है बाथरूम पूरा मतलब कि कहने लायक क्या बोले, बहुत गंदा बाथरूम है, पूरा महक रहा है। यहाँ तक जो सीट है ना, जिसका 8, 9, 10 तक सीट है, उसका तक महक आ रहा है बाथरूम का। तो अभी तक तो ये सीन देखते आगे सफाई होता है कि नहीं। और ट्रेन बहुत गंदी है, तो ठीक है ट्रेन निकलती है तो आगे की डिटेल्स बताते। और हाँ, ट्रेन अभी से हम लोग की लेट है, 1:25 में इसको खुलने का राइट टाइम था और 11:55 में खुल रही है रात के। रात को दिखाने लगता कोई सीन रहेगा नहीं। अब फॉग का टाइम है तो फिर बिस्तर पे जाके सो जाना ही सही रहेगा, क्योंकि हमको थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। तो ठीक है, डिपार्चर दिखाते हैं तब। अभी टाइम है 23:55 और हम लोग की ट्रेन 10 आवर्स 30 मिनट के डिलेट के साथ आनंद विहार स्टेशन से डिपार्ट कर रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। तो ठीक है, आनंद विहार से डिपार्चर दिखाते हैं अपनी ट्रेन का। और अभी से ही फॉग मतलब कि दिख रहा है, देखते हैं ट्रेन और कितना लेट होती है और हम लोगों कितने बजे संतरागाछी पहुंचाती है। तो ठीक है, अब गेट लगा लेते हैं क्योंकि पर्सनल सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। सेज ठीक है, मैं अभी इसका स्लीपर क्लास का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब ट्रेन निकली थी तो इसका टॉयलेट जो था बहुत फुल था, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा था। लेकिन उसके बाद जब रात में ट्रेन निकली थी, साफ सफाई हुई, इसका टॉयलेट पूरा साफ़ हो गया। और फिर ट्रेन मतलब कि पूरी खाली है लगभग, मतलब कि जहाँ पे 8 आदमी का कैपेसिटी में 4 आदमी बैठने जा रहे हैं, इतनी ट्रेन खाली है। ये ट्रेन लीस्ट प्रीफर्ड ट्रेन होती है हावड़ा के लिए न्यू दिल्ली से। अब ट्रेन कानपुर में पहुँच गई तो जल्दी से हम मतलब कि सेकंड एसी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि S1 में है अभी। S1 जो है स्लीपर का लास्ट बॉगी है और फिर सेकंड एसी ट्रेन का फर्स्ट बॉगी है लगेज ब्रेक रन के बाद। मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ स्लीपर क्लास के सामने। मिरर मिल जाता है, मिरर थोड़ा सा गंदा है, कैम मिल जाता है और बेसिन मिल जाता है, पानी भी आ रहा है। फिर यहाँ पे गेट नहीं होता, जैसे एसी में होता था। फिर यहाँ से हम लोग एंट्री नॉर्मल कर जाते हैं। यहाँ पे लेडर मिल जाता है हम लोग को, ये साइड लोअर बर्थ है। साइड लोअर बर्थ में ऊपर में चार्जिंग सॉकेट नहीं है, ये विंडो है बड़ी सी। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट और स्विचेस मिल जाता है। और फिर यहाँ पे 3x3 का कंपोजिशन है, ज़्यादा 3 AC में होता है। फिर यहाँ पे स्विचेस है और फिर मतलब कि ये मतलब कि 3 AC वाला इंटीरियर है यहाँ पे। तो ये है स्लीपर क्लास का इंटीरियर। हाँ, ऊपर में चैन मिल जाता है हम लोग को।
अभी टाइम हो रहा है 12:48 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल स्टेशन को CNB। यह हम लोग की ट्रेन टोटल 17 आवर्स 23 मिनट लेट पहुंचाई है। क्या बोले मतलब ट्रेन को, मतलब कि 10 बजे कानपुर पहुंच रही थी, ऐसे अगर ये सही से चल भी रही थी, मतलब लेट से खुली थी फिर भी लेट हो रही थी। कानपुर के आउटर में हर सिग्नल पे स्टॉप की वजह से 2 घंटा बर्बाद करी और फिर 1 बजे के आसपास पहुँचाई है कानपुर सेंट्रल। ओह देखते हैं अब यहाँ से कितना देर में निकलती है। यहाँ से 5 मिनट के ट्रेन का स्टॉप है और अभी हम अपने कोच A1 में आ चुके हैं। अभी चाह रहे हैं कि किसी के साथ सीट एक्सचेंज हो जाए क्योंकि मेरा अपर सीट होगा तो फिर अब तो सुबह का भी टाइम है तो फिर बाहर का अगर कुछ व्यू नहीं दे पाए, पॉप का मज़ा नहीं ले पाए तो क्या नॉर्थ इंडियन आए, नॉर्थ इंडिया का कवर ही करने के लिए आए पॉप को, और फिर फॉगी जब नहीं देखा पाए फॉगी वेदर तो फिर क्या बर्बाद हो जाएगा जरा। देखते कुछ ट्राई करते हैं, टीसी से बात करते हैं और इंजन दिखाते हैं इंजन को, लोकोमोटिव कौन सा हम लोग की ट्रेन में आज लगा है। आज हम लोग की ट्रेन में संतरागाछी का WFP7 लगा है और ये एक ट्राई कलर इंडियन फ्लैग का लोकोमोटिव है और ये इसका पेंटोग्राफ। यह है हमारी ट्रेन। तो ठीक है कानपुर से अब हम डिपार्चर दिखाते हैं ट्रेन का और 5 मिनट के स्टॉप के साथ 12:53 में हम लोग की ट्रेन कानपुर सेंट्रल से डिपार्ट कर रही है। ट्रेन मतलब डिपार्ट कर ही चुका हम लोग का बॉगी तो मतलब कि प्लेटफॉर्म के बाहर ही आया है, डिपार्ट के साथ ही रुक गई ट्रेन। कानपुर में निकलते के साथ ही चैन पुलिंग हो गया क्योंकि अभी पूरा लगेज रखा नहीं गया था। तो ठीक है कानपुर से डिपार्चर दिखाते हैं सब। फिर से कोई चैन पुलिंग कर दिया, दो बार कानपुर में ट्रेन का चैन पुलिंग हो चुका है अब तक। देखते हैं कब निकलेगी, ऐसे चैन पुलिंग होता रहा तो पहले से इतना लेट है और लेट हो जाएगी तब तो। और सामने में हम लोग की आ रही है इस्लामपुर न्यू दिल्ली। अभी टाइम हो रहा 1:16 और हम लोग की ट्रेन अब कानपुर सेंट्रल से डिपार्ट कर रही है 2 बार चैन पुलिंग होने के बाद। और राजधानी और दुरंटो सब भी कानपुर आ चुकी है, मतलब अब ओवरटेक होने वाला वो लोग का। तो ठीक है कानपुर सेंट्रल से निकलने के बाद ओवरटेक दिखाते हैं। ये हम लोग का मील है, ये राइस है, पिकल दाल मिक्स वेज और पनीर साथ में रोटी। अभी टाइम हो रहा 4:32 और हम लोग की ट्रेन प्रयागराज के आउटर में रुकी हुई है। ट्रेन जब कानपुर से निकली तब फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे हम बताए थे, तो फिर हम सो गए। तो फिर अभी जब 15 मिनट पहले मेरी नींद खुली तो देखिए अभी तक प्रयागराज भी नहीं पहुँची है और अभी 15 मिनट से ट्रेन प्रयागराज के आउटर पर ऐसे ही रुकी हुई है। 4:30 बजे है, देखते हैं, उम्मीद तो है कि 4:45 बजे तक अब लगता है कि प्रयागराज पहुँचेगी। तो वही सीन है, क्या करें, देखते हैं कितना लेट होगी। अभी तक किसी कोई भी राजधानी भी हम लोग की ट्रेन को ओवरटेक नहीं करी है, प्रयागराज के बाद ही लगता है ओवरटेक होगा। चाह रहे हैं कि डे लाइट में ओवरटेक हो जाए सही होगा, देखते क्या किस्मत में, नेट भी नहीं चल रहा यहाँ पे। तो वही है, मिलते हैं फिर प्रयागराज में, इलाहाबाद। अभी अदरक वाली चाय लिए, काफ़ी सही लग रहा, मतलब कि गलत वाला सा प्रॉब्लम हो रहा था तो अदरक वाली चाय लेने के काफ़ी सही लग रहा है। रुकी नहीं है प्लेटफॉर्म पे,
चार पाँच बजे पहुँचेंगे। अभी टाइम हो रहा है जाके 7:38 और हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है प्रयागराज जंक्शन स्टेशन कोड PRYJ ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद। ट्रेन हम लोग की 21:38 लेट है। ट्रेन को मतलब कि 20 किलोमीटर कवर करने में 4 घंटे लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट होगी। मतलब कि इतना रुक रही थी कि मतलब क्या बोला जाए। अभी मतलब अभी से फॉग भी थोड़ा सा दिख रहा है, तो मतलब अब ट्रेन और लेट होगी, मतलब 24 आवर्स ये कंप्लीट करके छोड़ेगी कोलकाता तक। ये कोच है, कोच में मतलब कि अब सब लोग, कोच पूरा फिल्ड हो गया है पूरा, मतलब सब लोग आ गए ट्रेन में। 2 AC का तो ये अलग, स्लीपर का पता नहीं, इसमें तो अभी तक गए नहीं है, जाने का हिम्मत भी नहीं, मतलब बहुत ठंड लगा था उसमें। यह हम लोग ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आए हैं प्रयागराज में। और एक कमाल की बात बताते हैं कि प्रयागराज जो अलाहाबाद जो है वो एक दिन के लिए इंडिया का कैपिटल भी बना था, कोलकाता के बाद दिल्ली से पहले। तो मतलब हम लोग इंडिया के फॉर्मली कैपिटल में, मतलब कैपिटल से निकले फॉर्मली कैपिटल में है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मली कैपिटल जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था कोलकाता, तो वो 3 कैपिटल हम लोग एक जर्नी में कवर कर चुके। मतलब आधा तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम लोग है ना इसी में पढ़ ली गए हैं। यही है, देखते हैं यहाँ से कितना देर में ट्रेन निकलती है। ऐसे 5 मिनट का स्टॉप है, 7:43 में निकल जाना चाहिए ट्रेन को। और राजधानी सब अभी पीछे ही है, देखते हैं कब ओवर टेक उसका हो पाता है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं इस ट्रेन को क्यों प्रेफर किया न्यू दिल्ली से हावड़ा के लिए, जबकि बहुत सारी ट्रेन थी। तो यह इसका रूट जो है अनएक्सप्लोर्ड रूट है, अभी तक कोई बहुत कम ही ब्लॉगर्स है जो इस रूट को एक्सप्लोर करे हैं, वो भी मतलब इस ट्रेन का इंफॉर्मेशन और रूट का इंफॉर्मेशन सही से अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं हम अपना ट्राई देखते हैं कि हम कितना अपना 100% देते हैं, कितना अच्छा ऑडियंस को पसंद आता है, वीडियो का क्या रिस्पॉन्स रहता है। ये हावड़ा से गोमो तक जो है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर रहेगी, गोमो से फिर ये टाटा के साइड निकल जाएगी, तो ये हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर आ जाएगी, फिर वो फिर संतरागाछी में आके स्टॉप कर जाएगी। खांसी हो गया, मतलब ठंड में बहुत ठंड है अभी यहाँ पे। देखते 7:43 तो हो चुका है, ट्रेन में खुलने का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक ट्रेन खुली नहीं है। यहाँ पे देखते कितना लेट ट्रेन किया जाता है, उम्मीद तो लग रहा है कि 8 बजे से पहले नहीं खुलेगी यहाँ से। देखते हैं क्या सीन होता है, कल संतरागाछी हम लोग कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी प्रयागराज में हम लोग की ट्रेन को हावड़ा टोरंटो ओवरटेक कर रही है, लेकिन हम उसको दिखा नहीं पाए क्योंकि वो लूप लाइट ओवरटेक कर रही है। इसके जो पीछे वाली ट्रेन है इसके पीछे से वो निकल रही है, तो इस वजह से हम दिखा नहीं पाए, नहीं तो हम दिखा देते उसका ओवरटेक भी। हो सकता है अब हम लोग को सियालदह राजधानी भी प्रयागराज में ही ओवरटेक करें। देखते हैं वहाँ ओवरटेक करती है कि आगे में ओवरटेक मिलता है रोक के। कहीं पर इसको लूप लाइन पर डाल के अगर ओवरटेक मिला तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन देखते क्या रहता है अभी। अभी टाइम हो रहा है 8 PM और हम लोग की ट्रेन प्रयागराज से डिपार्ट कर रही है। स्टेशन कोड तो बता ही चुके हैं। ट्रेन हम लोग की यहाँ 22 मिनट रुकी है क्योंकि हावड़ा टोरंटो का ओवरटेक हुआ, अब सियालदह राजधानी भी ओवरटेक करेगी और हावड़ा राजधानी भी, और हो सकता है गोड्डा हमसफ़र भी ओवरटेक करेगी, वो भी पीछे पीछे आ रही है। देखते किस किस ट्रेन का जो ओवरटेक होता है इसके ज़रिए। अभी हम लोग को डिनर सर्व किया जा रहा था ट्रेन में, तो हम एक थाली लिए है। यहाँ पे हम लोग को एक मिल जाता है, 2 अंडा है, दाल राइस पिकल और फिर मिक्स वेज रोटी। जो दोपहर में जो मेन्यू था वही मेन्यू है, लेकिन फूड अभी ही बना है क्योंकि अभी हम पैंट्री कार में गए थे, कुछ बिस्किट ले रहे थे, देख रहे थे उस टाइम बन रहा था। अभी टाइम हो रहा है 10:42 और हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है DDU दयाल उपाध्याय जंक्शन। ट्रेन हम लोग की ट्रेन 20 आवर्स 17 मिनट डिलेट के साथ पहुँचाई है।
दिया, तो यहाँ तो फर्स्ट डे के साथ ही फॉग मतलब कि दिख रहा है, जबरदस्त वाला फॉग है। आगे देखते ट्रेन कवर कर पाती है कि ऑन लेट होती है, राजधानी सब कुछ है ना सब पीछे ही है, अभी तक कुछ ओवरटेक नहीं हुआ है। तीन डेल उपाध्या ऑल्सो नोन एज मुगल सराय, यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है। मैं आनंद विहार संतरागाछी ट्रेन का कोच कंपोजिशन बता देता हूँ। इसमें 6 3 AC की कोच लगता है, 1 2 AC का, 6 स्लीपर क्लास, 5 जनरल क्लास, 1 बैटरी कार, 1 लगेज ब्रेक वैन, और उसके अभी जनरेटर के साथ WAP-7 से ये ट्रेन संतरागाछी का हॉल्ट होती है फ्रॉम आनंद विहार टू संतरागाछी। अभी टाइम हो रहा है 10:52 और हम लोग की ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से डिपार्ट कर रही है। वेलकम टू डे 3 ऑफ आनंद विहार संतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी 10:21 AM लेट है, स्टेशन कोड पुरुलिया PRR। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में, झारखंड हम आया था बीच में लेकिन झारखंड को हम कवर नहीं कर सके कि रात का टाइम तो हम सो रहे थे। अभी फिर झारखंड में हम लोग एंट्री कर जाएंगे बिहार। अभी तक हम लोग टोटल स्टेट कवर करें दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में, फिर से झारखंड जाएंगे, फिर वेस्ट बंगाल चले जाए। चलो ठीक है, ऑरेंज सिग्नल हो चुका है, अब ट्रेन निकल रही है पुरुलिया से, तो डिपार्चर दिखाते हैं पुरुलिया स्टेशन से हम। तो ये रहा हम लोग का डिपार्चर पुरुलिया स्टेशन से, 7:31 में डिपार्चर हो रहा है। 3 मिनट रुकी है, 2 मिनट का स्टॉप था। सबके हो जाए आना, बिस्तर द्वारे तो कैसे सोए जाना, बिस्तर द्वारे लो लो लोरी टाइम हो रहा 9:23 और हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है टाटा नगर स्टेशन को। TATA टाटा इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक आती है, तो इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने गिफ्ट दिया कि जमशेदपुर का नाम जो है टाटा कर दिया गया। यह हम लोग की ट्रेन 21 आवर्स 15 मिनट की डिले के साथ पहुँचाई है। यहाँ ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, तो ठीक है डिपार्चर दिखाते हैं फिर स्टेशन से। हम लोग की यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है टाटा में ट्रेन। अभी जो सेक्शन हावड़ा से यहाँ से हावड़ा तक जो चल रहा है, ये मतलब कि गुड्स ट्रेन इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा मिलेगी, पैसेंजर ट्रेन थोड़ी सी कम है इस सेक्शन में,
लेकिन गुड्स ट्रेन बहुत है, बहुत अभी भी मतलब सामने से गुड्स ट्रेन आ रही है, इस वजह से हम लोग की ट्रेन को जो है रोक दिया गया है। जब तक वो क्रॉस पूरी नहीं हो जाए तब तक ये कैसे निकलेगी, इसके लाइन पे वो है। ऐसे वो क्रॉस हो ही चुकी है तो अब देखते हैं कितना देर में हम लोग निकलते हैं टाटा नगर से। अभी तक टाइम, अभी टाइम हो रहा है जाके 9:33। ट्रेन जब टाटा पहुंचने वाली थी तब हम वेज कटलेट लिए थे, लेकिन टाटा से ट्रेन निकल चुकी है और अभी तक हम इसको अनबॉक्स करके खाए भी नहीं, पूरा ठंडा हो गया है। तो अभी खाते हैं। इसका प्राइसिंग मुझे 40 रुपीज़ पर आया और देखते हैं क्या टेस्ट है इसका। अभी ट्रेन को टाटा नगर से निकले आधा घंटा हो गया है, थोड़ा सा स्लीपिंग मूड कर रहा था क्योंकि रात में भी पूरा सही से हुआ नहीं, तो सोच रहे थक खड़गपुर तक सो जाते हैं, उसके बाद खड़गपुर आता है तो दिखाते हैं। उम्मीद तो नहीं नींद आएगा, लेकिन थोड़ा सा थकान लग रहा था तो हेल्थ की वजह से हेल्थ ख़राब हो जाएगा, नहीं तो फिर फीवर सब आ जाएगा थकान से, तो ले लेते हैं छोटा सा पावर नैप। दो दिन का जर्नी हम 3 दिन में कंप्लीट करके हावड़ा पहुँचे, मतलब कोलकाता पहुँचे हैं। अभी टाइम हो रहा 1:24 और हम लोग की ट्रेन पहुँच चुकी है संतरागाछी स्टेशन, इसका लास्ट स्टॉप। 21 आवर्स का जो डिले है लेके चल रही है तो वो लेके चली कानपुर से, जो डिले लेके चल रही है ऐसे तो ये 11 घंटे वहीं से दिल्ली से ही लेट मिली थी। तो वो ठीक है, ये रहा हम लोग का यहाँ पे जर्नी, एंड होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अब ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बेस्ट पार्ट ख़राब लगा हो तो भी बता देना कौन सा पार्ट ख़राब लगा, और मिलते हैं फिर किसी जर्नी में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना harishkhan246। अभी मैं संतरागाछी आनंद विहार का ट्रैवल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एंट्री कार्ड का फूड बहुत अच्छा था, हॉस्पिटलिटी बहुत सही, बहुत अच्छा था इस ट्रेन का, मतलब इसके पैंट्री कार के स्टाफ कोच अटेंडेंट सब लोग बहुत हॉस्पिटलिटी थे, बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे पैसेंजर्स के साथ के। बाय।